नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 4 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डिजिटल इंडिया सप्ताह में हुनर दिखाएगा बिहार। बिहार में महज 98 घंटे में बना दी गई 38 किलोमीटर रोड। चोटिल हुए लालू प्रसाद यादव, दाहिने कंधे और कमर में आई गंभीर चोट। पीएम मोदी 12 जुलाई को बिहार को दे सकते हैं तोहफा। रेलवे ने 10वीं पास उम्मीदवारों को दी सौगात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में महज 98 घंटे में बना दी गई 38 किलोमीटर रोड। बिहार में भले ही सड़कों के धंसने से बिहार की नीतीश सरकार निशाने पर हो, लेकिन फिर भी बिहार के इंजीनियर एक के बाद एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं, जिसके तहत ही रोहतास के कोचस के पररिया में कैमूर जिला के मोहनिया तक 38 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण महज 98 घंटे में करके बिहार ने सड़क निर्माण का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जानकारों की माने तो मात्र 98 घंटे में ये 38 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करके बिहार राज्य ने पूरे देश को एक संदेश देने की भी कोशिश की है। आने वाले दिनों में भी बिहार ऐसे रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए अग्रसर होगा। बिहार के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग द्वारा पहले ही 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे ऐश्वर्या निगम की। उन्हें हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में जाना जाता है, खासकर दबंग जैसी फिल्मों के लिए। दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनकी मां आरती रंजन मुखर्जी सेमिनार मुजफ्फरपुर में लेक्चरर के रूप में काम करती हैं, जबकि उनके पिता मुकेश रंजन पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सनशाइन प्रेप हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से की है। निगम ने अपना बचपन न्यू कॉलोनी शेरपुर मुजफ्फरपुर बिहार में बिताया है। बिहार में मिले कोविड-19 के 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 218 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1094 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 5, औरंगाबाद में 2, बांका में 19, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 31, दरभंगा में 4, गया में 11, जमुई में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 4, किशनगंज में 4, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 5, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 3, पटना में 60, पूर्णिया में 7, रोहतास में 5, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 4, सारण में 2, सीतामढ़ी में 8, सिवान में 6, सुपौल में 7, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 2, वहीं 5 ऐसे मामले की भी पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 121,616 सैंपल की जांच की गई, वहीं 238 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। डिजिटल इंडिया सप्ताह में हुनर दिखाएगा बिहार। बिहारवासी कहीं भी हो अपना परचम फहरा ही देते हैं, वहीं जल्द ही बिहार का हुनर डिजिटल इंडिया सप्ताह में भी देखने को मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 4 से 6 जुलाई आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह में बिहार के सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग भी हिस्सा लेगा। इसका आयोजन महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया की उत्कृष्टता के 7 साल का उत्सव मनाने के अंतर्गत इसका आयोजन हो रहा है, जिसके बाद ही सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा है कि डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 में हिस्सा लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी 12 जुलाई को बिहार को दे सकते हैं तोहफा। 12 जुलाई की तारीख बिहारवासियों के लिए बेहद ही खास हो सकती है, क्योंकि ये वो दिन होने वाला है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा तोहफा है, जो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जानकारों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी संथाल परगाना के 5 जिलों समेत बिहार के बांका के लिए गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इससे बिहार के बांका में बड़े स्तर पर लोगों को फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को बिहार और झारखंड के दौरे पर आने की संभावना है। उनके दौरे को लेकर दोनों राज्यों में गहमागहमी तेज है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना आएंगे। वो यहां बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। हालांकि उनके दौरे का मुख्य केंद्र झारखंड माना जा रहा है, जहां वो देवघर जाएंगे। आज है बीएड पार्ट 1 और 2 में परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। मुंगेर विश्वविद्यालय अपने 5 बीएड कॉलेज में नामांकन सत्र 2021 से 23 बीएड पार्ट 1 और सत्र 2020 से 22 बीएड पार्ट 2 के छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म ₹100 अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख सोमवार यानी कि आज समाप्त करने जा रहा है। वहीं बीएड के दोनों सत्रों में अब तक कुल 934 विद्यार्थी ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा है, जिसमें बीएड पार्ट 1 में अब तक 473 और बीएड पार्ट 2 में 461 छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है। वहीं बीएड के दोनों सत्रों में अब तक कुल 934 विद्यार्थियों ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा है, जिसमें बीएड पार्ट 1 में अब तक 473 और बीएड पार्ट 2 में 461 छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है।
भारत नेपाल सीमा पर मिले नकली नोट। बिहार में सीमा के रास्ते तस्करी का खूब काम किया जाता है। कभी सीमा पार से शराब की डिलीवरी की जाती है तो कभी नोटों की गड्डियां हाथ लगती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बीते दिन रविवार को बिहार के सीतामढ़ी जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारत नेपाल की सीमा कनहौली से जाली नोटों का कारोबार करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया, जिसके बाद ही पुलिस ने 2 सदस्य जाली नोट और नोट छापने की मशीन के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 1,000 रुपए के 52 नेपाली नोटों की गड्डी को जब्त किया गया। गड्डी के अंदर सादा नोट रखा गया था और वहीं नोट को प्रिंट करने वाली प्रिंटिंग मशीन और 3 प्रकार के केमिकल भी बरामद किए गए। इस मामले की पुष्टि SP हरकिशोर रॉय ने की है। इस दौरान ही उन्होंने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में जाली नोट का कारोबार चल रहा है। गिरोह के सदस्य 75% असली नोटों की गड्डी में नकली नोट मिलाकर ठगी कर रहे हैं। आज फुटबॉल के खिताबी मुकाबले में भिड़ेगी बिहार और दादर नगर हवेली की टीमें। आज यानी कि सोमवार को बिहार की लड़कियां राष्ट्रीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में दादर नगर हवेली से भिड़ने वाली है। बिहार की टीम बीते सभी मैच में जीतती आई है, जिसके बाद ही लगातार जीत से बिहार की टीम के हौसले बुलंद है। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण की तरफ से कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में मैच का लाइव प्रसारण होगा। राज्य भर के खेल प्रेमियों और स्कूलों, स्पोर्ट्स क्लब और संस्थानों में मैच दिखाने के लिए यूट्यूब लिंक की व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बताया है कि बिहार की टीम की सभी खिलाड़ियों के बीच बेहतर समन्वय देखा जा रहा है। चोटिल हुए लालू प्रसाद यादव, दाहिने कंधे और कमर में आई गंभीर चोट। राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव के अच्छे दिन इन दिनों नहीं चल रहे हैं। पहले कोर्ट कचहरी, फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अब तो चोट। लालू प्रसाद यादव चौतरफा परेशान चल रहे हैं। बीते दिन आई खबर के अनुसार लालू प्रसाद यादव सीढ़ी से गिर गए। इस दौरान उन्हें काफी चोटें आई हैं। खबर के अनुसार ये भी बताया गया है कि लालू यादव अनियंत्रित होकर सीढ़ी से गिरे थे, जिसके बाद उनका MRI करवाया गया। राजद सुप्रीमो को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जिसमें पता चला है कि लालू यादव के दाहिने कंधे और कमर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि लालू प्रसाद यादव के दाएं कंधे में माइनर फ्रैक्चर है, घर में ही आराम करने की सलाह दी गई है। बिहार में क्या बढ़ेंगे बिजली के दाम, इस दिन होगा साफ। बिहार में बिजली के दाम में लोगों की जेब ढीली होगी या नहीं, इस पर फैसला जल्द ही होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 5 अगस्त को सुनवाई किए जाने की तैयारी हो रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मार्च 2022 में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी, जिसके बाद ही बिजली कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद ही अब कंपनी और ग्राहकों का पक्ष सुनकर इस प्रस्ताव पर सुनवाई करेगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोरोना काल में बिजली बिल वसूली में कमी आने से कंपनियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। नवंबर 2021 से बिजली कंपनियों ने विनियामक आयोग को बिजली दरों में 9.90% की बढ़ोतरी की मांग की थी, जिस पर अब जाकर अंतिम निर्णय आने वाला है। बिहार के इन इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। बिहार में मॉनसून की सामान्य सक्रियता बनी हुई है। अगले सप्ताह में बिहार के दक्षिण भाग के कुछ जगहों पर बारिश और गरज की स्थिति बने रहने के आसार है। मौसम विभाग ने मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शनिवार की सुबह से ही रविवार की सुबह तक किशनगंज और अररिया में, जबकि रविवार को दिन से लेकर सोमवार सुबह तक सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। 4 जुलाई को पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार में गरज का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य भर में कुछ जगहों पर वज्रपात की आशंका है, जबकि पश्चिमी भाग में कई जगहों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जूम में दर्शकों को होगी और ज्यादा सुविधाएं। संजय गांधी जैविक उद्यान में आए दर्शकों के लिए आने वाला समय बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि संजय गांधी जैविक उद्यान आए दर्शकों के लिए एक और सुविधा बहाल की गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जल उद्यान और झील के ऊपर पत्थर के बेंच और डाइनिंग टेबल लगाए गए हैं, जहां पर ही अब दर्शक इस पर बैठकर आराम फरमा सकते हैं या परिवार संग खाने पीने का आनंद उठा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जू में कई जगहों पर इसको लगाने का काम किया गया है। जू प्रशासन का उद्देश्य है कि दर्शक जू भ्रमण के बाद थक जाते हैं और बैठने के लिए जगह की तलाश करते हैं, खासकर उन स्थलों पर जहां अधिक संख्या में दर्शक इकट्ठा होते हैं। इसको देखते हुए दर्शकों के बैठने के लिए पहल की जा रही है। वहीं पत्थर के टेबल और बेंच की सुंदर बनावट जू की खूबसूरती भी बढ़ा रही है। रेलवे ने 10वीं पास उम्मीदवारों को दी सौगात। भारतीय रेलवे ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 1659 पदों पर भर्तियां निकाली है। भारतीय रेलवे के अधिकारियों के अनुसार जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंक के साथ मैट्रिक या कक्षा 10वीं या फिर इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त है, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI भी किया होना जरूरी है। रेलवे ने सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें और नौकरी प्राप्त करें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद पर आधिकारिक वेबसाइट RRCPRYJ.org से आवेदन कर सकते हैं। 4 मजदूरों के नागालैंड में गुजर जाने पर सीएम नीतीश ने जताया शोक।
कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के रहने वाले 4 मजदूरों की नागालैंड के दीमापुर में सड़क हादसे में जान जाने की खबर पर बिहार के नागरिकों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की है, जिसके तहत इन्होंने इस घटना को दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है, जिसके बाद ही बिहार के मृत 4 मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त को मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। निःशुल्क भोजन करवाने वाला मंदिर पटना में भी। वैष्णो देवी के बाद अब निःशुल्क भोजन कराने वाला मंदिर पटना में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में माता वैष्णो देवी के बाद महावीर मंदिर सबसे जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराने वाला मंदिर बना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जून महीने में ही लगभग 1.25 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन कराने का काम किया गया है। इसमें मंदिर के सामने प्रतिदिन भोजन करने वाले दरिद्र नारायण शामिल नहीं है। इसकी जानकारी महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दी है। उन्होंने बताया कि न्यास द्वारा अयोध्या में संचालित राम रसोई में जून में 64,829 राम भक्तों ने भोजन किया। श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करने वाले भक्तों के लिए 9 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन निःशुल्क बनाए गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि में सटे अमावा राम मंदिर परिसर में महावीर मंदिर न्यास पटना की तरफ से अयोध्या का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र, अयोध्या के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नियमित अन्न क्षेत्र बनाया गया है। AIMIM के 4 विधायक इस वजह से राजद में हुए शामिल। AIMIM के 4 विधायक हाल ही में राजद में शामिल हुए। हालांकि ये राजद में क्यों शामिल हुए इसको लेकर अब तक तो कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को वैशाली पहुंचकर बेलसर पहुंचने के बाद कई बातें बताई हैं, जहां उन्होंने पूर्व शिक्षक और राजद नेता खनन रॉय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। बेलसर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी ने भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। इस दौरान 3 विधायकों को लाकर कहने लगे कि लार्जेस्ट पार्टी हो गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से प्रभावित होकर AIMIM के 4 विधायक आए हैं और आज फिर से हम सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग ने किया उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने रविवार को जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार का समर्थन किया है, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा जी की बात पूरी तरह से उन्होंने सही बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार है तभी बिहार में एनडीए है। नीतीश कुमार के सामने भाजपा नतमस्तक दिखती है, उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत तक नहीं है। बता दें कि कल शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में एनडीए मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है तभी बिहार में एनडीए है। नीतीश कुमार नहीं तो बिहार में एनडीए का कोई मतलब नहीं। चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव से पहले भविष्य में किसी गठबंधन का हिस्सा बनूंगा। राजीव नगर वासियों के हमदर्द बने पप्पू यादव तो जगदानंद सिंह ने भी साधा निशाना। राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर के इलाके में 70 मकानों को ध्वस्त करने के लिए भारी संख्या में पुलिस की टीम 14 बुलडोजर चलाए जाने के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं, क्योंकि बरसों की मेहनत के बाद बने उनके आशियाने को तोड़ने का काम किया गया, जिसके बाद हर बार की तरह आपदा में फंसे लोगों के लिए मसीहा बने पप्पू यादव ने आश्वासन का हाथ आगे बढ़ाया। पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और सरकार पर निशाना साधने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजीव नगर की पब्लिक जब जमीन खरीद रही थी उस वक्त सरकार क्या कर रही थी, वहीं पटना नेपाली नगर में हो रहे बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार भी मोदी और योगी के तर्ज पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। बिहार से बाहर झारखंड में वीआईपी के विस्तार की तैयारी। बिहार में अपनी चुनावी जमीन तलाश रही विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी अब नए सिरे से तैयारी कर रही है, जिसके तहत ही वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी बिहार से बाहर झारखंड में अपनी पार्टी के विस्तार में जुटे हुए हैं। इस क्रम में उन्होंने झारखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस क्रम में उन्होंने झारखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ साथ जरूरी आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि झारखंड की स्थापना यहां के आदिवासियों और स्थानीय लोगों के विकास के लिए की गई है, लेकिन हकीकत है कि अब तक केवल इस राज्य में सरकारें बदलती रही है, लोगों का विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में राजद करे पुनर्विचार। आजादी के बाद देश की पहली आदिवासी महिला की उम्मीदवारी को पूरे देश ने स्वागत किया है, लेकिन राजद ने अब तक अपना समर्थन नहीं दिया, जिसके बाद ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने राजद से अपील करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जब राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाए, नरेंद्र मोदी को 2 बार मौका मिला तो एक बार दलित और दूसरी बार आदिवासी महिला का नाम प्रस्तावित किया है, ऐसे में दलितों आदिवासियों पिछड़ों की दुहाई देने वाली राजद को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। गैर एनडीए दल भी समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। अकाली दल और कर्नाटक के जेडीएस ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। संभावना है कि झामुमो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देगा, ऐसे में राजद को भी विचार करने की जरूरत है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज।
मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1789 में पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की। भारत द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों बंदियों की रिहाई के निर्देश को 2001 में लाया गया। महेश भूपति और मैरी पियर्स ने 2005 में विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता। भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का जन्म 1898 में हुआ। हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशील कुमार का जन्म 1945 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का जन्म 1916 में हुआ। साहित्य दर्शन और इतिहास के प्रखंड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में आज ही के दिन हुआ था। रोहित शर्मा हुए कोरोना नेगेटिव। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा कोविड-19 से ठीक हो गए हैं और वो इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान ही भारतीय क्रिकेट टीम के साथ एस्बेस्टन में जुड़ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोहित शर्मा लिसेस्टर शायर के खिलाफ खेले गए 4 दिवसीय वार्म अप मैच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद वो टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे और उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था। रोहित शर्मा अब फिट लग रहे हैं और वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में कप्तानी के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई से होगी। इस टी20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। आरआरआर ने द बैटमैन और टॉप गन को छोड़ा पीछे। राजामौली की ट्रिपल आर की कमाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ा ही था, अब हॉलीवुड क्रिएटर्स में भी इसने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। आलम कुछ यूं है कि टॉम क्रूज की जबरदस्त फिल्म टॉप गन और आइकॉनिक सुपर हीरो द बैटमैन को पछाड़कर एक सम्मानित हॉलीवुड अवार्ड्स में दूसरी बेस्ट फिल्म बनने का काम किया है। किसी भी भारतीय पर ये सम्मान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हॉलीवुड क्रिएटर्स एसोसिएशन मिड सीजन अवार्ड्स 2022 में आरआरआर रनर अप बनी है। ट्विटर पर अवार्ड्स अनाउंस करते हुए हॉलीवुड क्रिएटर्स एसोसिएशन ने बताया कि ज्यूरी ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फिल्म माना है। इसके बाद बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर राजामौली की फिल्म है। इस फेक मेल से आपका फेसबुक अकाउंट हो सकता है हैक। जीमेल और हॉटमेल यूजर हो जाए सावधान। यूजर को एक फेक ईमेल फेसबुक सपोर्ट टीम के नाम से भेजा जा रहा है। इस ईमेल के जरिए यूजर को टारगेट कर उसके अकाउंट डिटेल्स को लेने की कोशिश की जाती है। ट्रस्ट वेव के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया कि फ्रॉड ईमेल में दावा किया जाता है कि यूजर का फेसबुक अकाउंट रिस्क पर है, इस वजह से उसे डिलीट किया जा सकता है। इससे बचने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। ट्रस्ट वेव की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ईमेल में कहा गया है कि आपके फेसबुक पेज को डिलीट करने का शेड्यूल किया गया है। आप इन बातों पर ध्यान ना दें, हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक भी हो जाए। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,580 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,900 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 98.59 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है विनोद कुमार राज, चिराग कुमार, कृष्णा यादव, अरविंद, अरविंद, व्यास मुनि, चुन्नू कुमार, अंशु कुमारी, काजल कुमारी, मोहम्मद फैजान, कमलेश कुमार, नीतीश कुमार, प्रियांशु सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।